हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस चैनल पर मैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ और इसमें से ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है इपिटेक्सिस। इपिटेक्सिस यानी कि नेजल ब्लीडिंग। तो जो नेजल ब्लीडिंग है यानी कि नाक में से खून बाहर आता है, तो वो क्यों आता है, इसका कारण क्या हो सकता है और डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते है, क्या डायग्नोसिस करते है, तो ये इपिटेक्सिस है ये कौन से कैटेगरी में दिखाई देता है, या हम लोग अकेले हैं, अदरवाइज हमारे फैमिली मेंबर्स को किसी को भी ये नाक में से खून बाहर आता है, तो हम लोग क्या इमिजिएटली क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं और डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। प्लीज ये मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। तो मैं हूँ सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। क्योंकि जब भी हम लोग पोस्टिंग के लिए ENT वार्ड में एंट्री करते हैं, तो काफी सारे पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी हम लोग देखने वाले हैं। इपिटेक्सिस यानी कि नेजल ब्लीडिंग, हमारे नोज में से खून बाहर आता है, तो ये किस वजह से आता है, कंटिन्यू हैवी ब्लीडिंग है, इमिजिएटली डॉक्टर को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो पोस्टेरियल है, पोस्टेरियल यानी कि नोज के पीछे का जो पार्ट है, तो उसमें से हेवी ब्लीडिंग आती है, तो वो बहुत डेंजर है, सम डिफरेंट कॉजेस भी हो सकते हैं। तो ये जो पोस्टेरियल से हेवी ब्लीडिंग आ रही है, तो कभी भी आप लोग इग्नोर मत करो, इमिजिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर जल्दी उसके ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इन्वायरमेंट चेंजेस के वजह से भी ये नेजल ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है, क्योंकि जो एयर ड्राई एयर है, तो वो भी हमारे नोज में इरिटेट होता है, इस वजह से भी नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। और सेकेंड है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जिस पर्सन को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये नेजल ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। जिस पर्सन को ये हमारा साइनस है, तो ये साइनस का प्रॉब्लम रहेगा, तो इसमें भी नेजल ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। हमारी नोज में एक्सीडेंटली इंजुरी है, तो भी ये नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। और किसी किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम है, सम केमिकल सम ड्रग्स, तो इस वजह से भी ये नेजल ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। नेजल सर्जरी हुई है, तो उसमें भी नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो लोग ब्लड थिनर ट्रीटमेंट लेते हैं, सम मेडिसिन या इंजेक्शन लेते हैं, तो इस वजह से भी नेजल ब्लीडिंग होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और जिस पर्सन को ल्यूकेमिया करके जो डिसीज है, यानी कि ये एक हमारे खून में ये डिसीज रहता है, तो इस वजह से भी ये नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। और जिस पर्सन को कैंसर है, हमारे यानी कि कैंसर है, तो इसमें भी नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। हीमोफीलिया करके एक डिसीज है, ये भी एक ब्लड रिलेटेड डिसीज है, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। लास्ट है फैमिली हिस्ट्री रहेगी, तो भी ये नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ये थे कॉजेस। देखने वाले है कि ये किस पर्सन को ज्यादा दिखाई देते है। अभी हम लोग देखने वाले हैं अडल्ट में यानी कि जो एजेड है, 45 to 65 ईयर्स ओल्ड है, तो उन लोगों में भी ये नेजल ब्लीडिंग ज्यादा करके दिखाई देते है। क्यों दिखाई देते है? उनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर के वजह से भी नेजल ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। और किसी किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अभी हम लोग देखेंगे बच्चे में, तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, तो आफ्टर 2 years to 10 years तक ये बच्चे में दिखाई देता है नेजल ब्लीडिंग, क्योंकि उन लोगों को सम कोल्ड होता है, तो वो लोग स्नीजिंग भी करते हैं, देन इनसाइड जो मुकोसा है, तो वो इरिटेट होता है, और वो लोग फटक से बाहर निकलते, तो इस वजह से भी नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ज्यादा हीट के वजह से भी ये नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है जो लोग टैबलेट वारफारिन या एस्पिरिन, अदरवाइज इंजेक्शन क्लेगजिन जैसे ये मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं,
तो उन लोगों में भी ये नेजल ब्लीडिंग होने का ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि ये जो टैबलेट है ये इंजेक्शन डॉक्टर क्यों एडवाइस करते हैं, हमारे बॉडी में कौन से भी पार्ट को जो ब्लड क्लॉट रहता है तो वो जो क्लॉट है वो रिमूव करने के लिए ये जो मेडिसिन है ये इंजेक्शन हेल्प करते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग वो पर्सन को जो भी हमारे फैमिली का रहेगा और हम लोग अकेले रहेंगे तो एक जगह पर बैठना है, नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग कभी भी जो नोज है वो ऊपर नहीं करना, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारे थ्रोट एसोफेगस में जाने का ज्यादा चांसेस रहता है, थ्रोट टू हमारे लंग्स में जाएगा तो लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है और समटाइम नोशिया वोमिटिंग और डायरिया भी होने का चांसेस रहता है। तो ये पोजीशन में हम लोग नहीं रहना है, ब्लीडिंग के टाइम हम लोग ऊपर नोज करेंगे तो ब्लड एस्पिरेट होने का ज्यादा चांसेस रहता है और ये भर पे है तो आइस पैक, ऊपर से आइस पैक अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइस पैक क्या काम करते हैं तो ये आइस पैक जो ब्लीडिंग आ रही है तो वो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए बहुत हेल्पफुल थे। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं तो मुंह से लेना है, जो भी एस्पिरिन वारफारिन और इंजेक्शन क्लेक्जिन जो भी रहेगा वो इमिजिएटली स्टॉप करना है। तो ये थे हम लोग घर में क्या कर सकते, अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते, तो फर्स्ट तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते, सेकेंड इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे, एक्सरे यानी कि नोज और फेस के एक्सरे निकालते, क्योंकि एक्सरे में दिखाई देता है कि एक्चुअली जो ब्लीडिंग आ रही है वो कौन से पार्ट से आ रही है, हम ब्लड वेसल और जो कैपिलरी जो छोटे छोटे कैपिलरी रहते हैं तो वो ब्रोकन है क्या, अदरवाइज जो हमारा नेजल का जो बोन है तो वो बोन फ्रैक्चर है क्या, तो ये एक्सरे में दिखाई देता है। थर्ड है सिटी स्कैन, सिटी स्कैन क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा नेजल का जो पार्ट है वो पूरा स्कैन होता है और उसमें सब दिखाई देता है कि क्या कुछ ब्लड वेसल बोन फ्रैक्चर है क्या, और जो ब्लड आ रहा है जो ब्लीडिंग बाहर आ रहे तो ये कौन से पार्ट से आ रहे है ये सब सिटी स्कैन में दिखाई देता है, तो समटाइम डॉक्टर ये सिटी स्कैन भी पेशेंट को एडवाइस करते है। और लास्ट फोर्थ है एंडोस्कोपिक करके एक प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर भी करते है क्योंकि हेवी ब्लीडिंग आ रही है और इसमें जो ब्लीडिंग है तो वो सक्शन भी करते हैं, ब्लीडिंग वन साइड से ही आती है तो वो सक्शन करके या सलाइन वाटर से अच्छे से क्लीन करते हैं, और ये प्रोसीजर जो ईएनटी का जो स्पेशलिस्ट है तो वो करता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्या करते है, उसके जो ब्लीडिंग आ रहे है तो वो ब्लीडिंग स्टॉप करते है, ड्रेसिंग करते है, सम गोज पीस अप्लाई करते है, 24 to 72 आवर्स तक वो ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट को रखते है, और जो भी अनोस्ट्रिक स्प्रे रहेगा तो वो स्प्रे भी एक अप्लाई करते है, और ये ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए सम इंजेक्शन या टैबलेट एडवाइस करते है। लास्ट है सर्जरी करते है, जो ब्रोकन नोज है तो वो रिपेयर करते, लास्ट जो ब्लड वेसल्स ब्रोकन है तो वो भी इसमें रिपेयर करते हैं। ये था आज का टॉपिक एपिटेक्सिस। ये मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलो।